से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी रीड ऑल दिस बुक्स और स्लाइड्स। तो नाउ जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हम CSR से रिगार्डिंग ही यूज़ कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3 हमारी यूज़ है ये। तो आज हमारा जो टॉपिक है टू मेक ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, कि आप फर्स्ट इम्प्रेशन को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट इम्प्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। जैसे आप पहली बार किसी बंदे से मिलते हैं, कहीं जॉब पे जाते हैं, तो आपका बात करने का तरीका, आपका ड्रेसिंग स्टैंडर्ड, बेसिकली ऑल दीज थिंग्स, कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इन्हीं चीज़ों से यूज होता है। हेयर आर सम बेसिक पॉइंट्स हैं जो बेसिकली फर्स्ट इंप्रेशन रिगार्डिंग यूज होते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखोगे? फर्स्ट वन, बी वेल ग्रूम्ड, अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, नीट ड्रेस नीटली, मेंटेन पर्सनल हाइजीनिक। मींस आप अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन रखते हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि आप अपने आप को क्लीन रखें, ड्रेस अच्छी पहनें, दूसरा पॉइंट हाइजीनिक रखें, साफ सुथरा रखें। बी पोलाइट, किसी से बात करें तो पोलाइटली बात करें, पोलाइटली का मीनिंग होता है आराम से। यूज पोलाइट एक्सप्रेशन सच एज प्लीज, थैंक यू, कुड आई, मे आई, सो ऑन। मतलब इस तरह की वर्डिंग आप यूज कर सकते हैं जब आप, जैसे मान लो इंटरव्यू पे गए या कहीं आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे इन तरह के वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, शो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, जैसे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, जैसे कि आपका जो फेस है वो बेसिकली स्माइलिंग फेस होना चाहिए। तो अगर स्माइलिंग फेस होगा तो जाहिर सी बात है कि आप एक पॉजिटिव, एक बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिवली आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑलवेज बी पंक्चुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंक्चुअल का मीनिंग क्या होता है कि आप जो भी, जैसे किसी को कमिटमेंट कर देते हैं या किसी को टाइमिंग दिया हुआ है, प्रॉमिस करते हैं, तो ऑन द टाइम आप वो चीज़ें यूज रहें। नेक्स्ट वन इज द बी हेल्पफुल, कि आप हेल्पफुल रहें, ऑफर हेल्प व्हेन एवर यू कैन, अगर आपको बेसिकली ऑफर दिया जाता है तो आप हेल्प के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट वन, स्विच ऑफ मोबाइल फोन व्हेन इट इज डिस्कशन, जैसे डिस्कशन चल रहा है तो आप मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करिए, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको साइलेंट मोड में रख सकते हैं। जैसे कोई बेसिकली डिस्कशन हो रहा है इंटरव्यू से रिगार्डिंग, आप उसको अपने को डिस्कशन के दौरान आप बेसिकली किस पर रखिए, साइलेंट मोड में, और बहुत जरूरी कॉल है और आपको कॉल हैंडल करना है, देन यू कैन से एक्सक्यूज मी, मे आई टेक दिस कॉल प्लीज बिफोर आंसरिंग द कॉल। मतलब आप सुनने से पहले इन चीज़ों का यूज़ करिए, तो इससे एक बेटर इम्प्रेशन आएगा कि हाँ बंदा आपके पास पढ़ा लिखा है और वो अच्छा से मतलब चीज़ों को हैंडल कर सकता है। वाइल ओपनिंग द कॉल, जब भी आप कॉल को ओपन करते हैं, मान लो आप फर्स्ट किसी से बात करते हैं, तो फर्स्ट वन, हाउ टू वी टॉक स्टार्ट, देन फर्स्ट वन इज़ अ गुड मॉर्निंग, मैम, सर, हाउ मे आई हेल्प यू। आगे समझनी, अगर आपके बेसिकली सपोज लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो आप इस चीज़ को हिंदी में भी यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज गुड मॉर्निंग, और उसके बाद क्या करेंगे, हाउ कैन आई हेल्प यू, कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे, मैम, सर, या गुड मॉर्निंग बोल के जैसे इस टाइप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मैम, सर, मे आई टेक ए मिनट ऑफ योर्स, क्या मैं आपके एक या दो मिनट ले सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप ये चीज़ें हैंडल करेंगे तो बेसिकली कोई बंदा आपकी पॉइंट को सुन सकता है। ड्यूरिंग द कॉल, एम्पैथीज व्हेन द कस्टमर, कंप्यूटर के साथ बेसिकली कस्टमर के साथ आराम से पेश आइए। रजिस्टर द कस्टमर रिक्वेस्ट, कस्टमर की रिक्वेस्ट जो भी उस वो अपनी कंप्लेंट नोट करवाता उसको नोट डाउन करिए। एक्सटेंड एक्सीलेंट सर्विस एट ऑल टाइम विच इंक्लूड ऑल टेलीफोन इक्विप टू बी फॉलोड, मीन जो आपकी जितने भी सर्विसेज हैं वो आप अपनी तरफ से मैक्सिमम लेवल पे अच्छा करने की कोशिश करिए। जैसे कि मैम, सर, आई अंडरस्टैंड यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर, डू नॉट डिस्टर्ब, अलाउ मी टू हेल्प यू, सर, मुझे आपकी हेल्प करने का मौका दीजिए। सर, यू हैव एन एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पेइंग ऑन टाइम, जैसे या आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है कि आप हर चीज़ को टाइम पे कर रहे हैं, हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा नेक्स्ट पेमेंट के ऊपर, दैट इज ऑल्सो एन ऑफर। नेक्स्ट वन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, मैम एंड सर, ऑन द परचेज ऑफ योर न्यू कार, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस दी जा सकती हैं। वाइल क्लोजिंग द कार, जब बेसिकली कॉल को क्लोज करोगे तो किस तरह से, इट वॉज एन प्लीजर टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, मैम या सर,
कॉल अस एन एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक एनी टाइम, वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू। कभी भी किसी भी टाइम पे आप बातचीत कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हैव ए वंडरफुल डे, आपका दिन बहुत अच्छा रहे। तो दीज आर द ऑल थिंग्स जो बेसिकली आप कॉल को एंड करते वक्त यूज कर सकते हैं। ऑल द अबोव फेसेस व्हेन सेड इन राइट टोन एंड विद द राइट एक्सप्रेशन मेक द कस्टमर फील गुड एंड केयर्ड फॉर। मीन्स अगर यही सब चीज़ें एक प्रॉपर टोन में कही जाएं, ठीक है, तो कस्टमर को अच्छा लगेगा। इट क्रिएट ए गुड इंप्रेशन नॉट ओनली अबाउट योर सेल्फ बट ऑल्सो अबाउट द कंपनी दैट यू आर रिप्रेजेंटेटिव। ये खाली ना केवल आपके लिए बल्कि जिस कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए भी एक कस्टमर के लिए एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। गुड फर्स्ट इंप्रेशन आर मेड विद द राइट टोन ऑफ वॉइस। आपकी जो टोन है, बात करने का जो तरीका है, वो अच्छा होना चाहिए। करेक्ट वॉइस ऑफ वर्ड यूजेस, प्रॉपर एक सही वर्ड यूज करिए। सर्विस यू प्रोवाइड, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बारे में कस्टमर को प्रॉपरली समझाएं। तो ऑल दीज आर द बेसिक पॉइंट जो हम यूज करते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कि हाउ टू स्टार्ट ए कॉल एंड हाउ टू एंड ए कॉल। ऑल दीज आर द पॉइंट। नेक्स्ट वन, इंट्रोडक्शन योर सेल्फ टू पीयर एंड बॉसेस। आप अपने आप का इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। How would you introduce yourself to your peers? It is same as introduction yourself to your boss. कि आप अपने बॉस को इंट्रोडक्शन किस तरीके से देंगे। जैसे फर्स्ट वन, अजय इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू रिया एंड दिया, कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। हाई, I am अजय एंड आई हैव जस्ट ज्वाइंट, कि मैं अजय हूँ और मैंने अभी ज्वाइन किया है। आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत उत्साहित हूँ। एंड आई वुड लव टू गेट सम टिप्स फ्रॉम यू गाइज on how to work here, और मुझे कुछ टिप्स चाहिए कि मैं यहाँ कैसे काम कर सकता हूँ। दैट इज द वे, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी लाइन को कह सकते हैं। एग्जाम्पल डू, नाउ लेट अस सी हाउ टू इंट्रोड्यूस टू योर सीनियर्स, कि आप अपने सीनियर्स को किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। वाइल इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू योर बॉस, बी रिस्पेक्टफुल येट फ्रेंडली। रिस्पेक्टफुल रहें और फ्रेंडली भी रहें। दिया इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू समीर, कि कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है दिया। दैट इज, गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज़ दिया, मेरा नाम दिया है। आई हैव जस्ट ज्वाइंट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम यू, और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा या मैं बहुत कुछ आपसे सीख सकती हूँ। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी नो दैट वी मस्ट बी कैजुअल एंड अप्रोचेबल विद पीयर्स। अपने जो बेसिकली बॉस हैं या जो आपसे ज्वाइंट हैं, उन लोगों के साथ किस तरीके से आप बात करती हैं। रिस्पेक्टफुली येट फ्रेंडली विद सीनियर्स, रिस्पेक्टफुली रहें और फ्रेंडली भी रहें अपने सीनियर्स के साथ में। तो स्टूडेंट्स, जो आज हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं, कि एक तो हाउ टू इम्प्रेस द कस्टमर ऑन द फर्स्ट कॉल, एंड सेकेंड वन हाउ टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ टू यूर पीयर्स और यूर बॉस। तो दैट इज़ द आवर दिस वन सेशन। हम आज इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला सेशन हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ताकि आप बेसिकली चीज़ों को अच्छे से सीख सकें और प्रॉपरली उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज अवर सेशन नंबर 2।